11 मार्च को बड़े आधार वाली बिकवाली के कारण निफ्टी 50 इंडेक्स 161 अंक गिरकर 22,333 पर बंद हुआ। निफ्टी स्मॉल कैप 100 इंडेक्स बेंचमार्क से ज्यादा गिरा। ऐसे में एनएसई पर एडवांस डिक्लाइन रेशियो 0.24:1 तक गिर गया। कल निफ्टी अपने 5 डीएमए से नीचे बंद हुआ। डेरिवेटिव में निफ्टी ओपन इंटरेस्ट पुट कॉल रेशियो में तेजी से गिरावट आई, क्योंकि 22,400 से 22,500 के स्तर पर काफी ज्यादा कॉल राइटिंग देखने को मिली। इसके अलावा पिछले 3 दिनों के दौरान 22,500 के स्तर के आसपास ट्रिपल टॉप का गठन देखने को मिला है, जिससे पता चलता है कि किसी तेजी में निफ्टी को 22,400 से 22,500 के स्तर पर मजबूत रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में ट्रेडर्स को सलाह है कि वे लॉन्ग पोजीशन में मुनाफा बुक करें और नई लॉन्ग बनाने के लिए निफ्टी के 22,500 के स्तर से ऊपर बंद होने का इंतजार करें। अब निफ्टी के लिए 22,269 पर स्थित हालिया स्विंग लो तत्काल सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। अगर निफ्टी सपोर्ट को बनाए रखने में कामयाब नहीं रह पाता तो फिर ये गिरावट 21,800 से 21,850 को अगले सपोर्ट तक बढ़ सकती है। निफ्टी 500 इंडेक्स के मुकाबले 200 डीएमए से ऊपर के शेयरों में नेगेटिव डाइवर्जन देखने को मिल सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में भी मंदी का रुझान देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये अपने अहम शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज से नीचे बंद हुआ है। ऐसे में हमें उम्मीद है कि शॉर्ट टर्म में स्मॉल कैप निफ्टी से कमजोर प्रदर्शन करेंगे। HDFC सिक्योरिटीज के नंदीश शाह की 3 टॉप पिक्स, जिनमें 3 से 4 हफ्तों में ही हो सकती है डबल डिजिट कमाई। कोलगेट पॉमोलिव ने डेली चार्ट पर 2,585 रुपए के रेजिस्टेंस लेवल को पार कर लिया है। RSI और MFI जैसे मूवमेंट इंडिकेटर और ऑसिलेटर भी तेजी के संकेत दे रहे हैं और डेली चार्ट पर 60 से ऊपर दिख रहे हैं। ये स्टॉक में मजबूती का संकेत है। आने वाले हफ्तों में MFCG शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है। REC डेली चार्ट पर डाउनवर्ड स्लॉपिंग ट्रेड लाइन से बाहर आता दिख रहा है, जो 8 फरवरी 6 मार्च को हाई के करीब है। ये ब्रेकआउट भारी वॉल्यूम के साथ आया है। स्टॉक का प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है, क्योंकि स्टॉक अपने अहम शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज से ऊपर कारोबार कर रहा है। RSI और MFI जैसे ऑसिलेटर ऊपर की ओर झुके हुए हैं और डेली चार्ट पर 60 से ऊपर है, जो स्टॉक में मजबूती का संकेत दे रहे हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज मंथली चार्ट पर 4,000 रुपए के मल्टीपल टॉप रेजिस्टेंस को पार कर गया है। वीकली चार्ट पर स्टॉक तेजी से हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। आने वाले दिनों में लार्ज कैप IT शेयरों का प्रदर्शन बेहतर रहने की उम्मीद है।